चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ। हेलो गाइज, अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में मैं हूँ राजस्थान कोटा, और अभी मैं अपने रूम से ही ब्लॉग कर रहा हूँ, जिधर मैं होटल लिया था। तो चलो चलते, आज जाने वाले हैं अपन अजमेर, मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई के स्टूडियो पे जाएंगे, देखेंगे वो मिलते हैं या नहीं। तो चलो चलते, अभी सुबह के 6 बजे, जल्दी ही निकल रहा हूँ मैं। 5 बजे उठ के नहा के वे के रेडी हो गया, अभी अपनी 2 व्हीलर लेने जाती है, वो स्टेशन पे लगाई है उधर पे एन पार्क में, तो वो लेते हैं और निकलते हैं। सुबह सामने एक श्री राम का मंदिर है, उसको भी दर्शन करते हैं। चलो चलते दोस्तों, अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं और वापस आते हैं, और चलते हैं रेलवे स्टेशन के। मंदिर में ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाते, चलो। सुबह 6 बजे पसीने आ रहे दोस्तों, गाड़ी ले ली है, सुबह सुबह पे एन पार्क में लगाई थी कल शाम को, क्योंकि रूम के इधर लगाने की वो गारंटी नहीं ले रही थी गाड़ी की, तो इसलिए रेलवे स्टेशन पे लगाई थी कोटा। तो चलो निकले अभी, अपने 8 घंटे के लिए लगाई थी, तो 20-25 रुपये हो गए उसके, पर गाड़ी सेफ रही। तो चलो चलते दोस्तों। तो कल इस होटल में रुके थे विक्रम, तो आपको आगे वाले कैमरे से दिखाता हूँ। वो ऊपर वाले 4th मंजिल पे थे मेरी रूम। तो चलो चलते, बैग लेते हो निकलते। दोस्तों राजस्थान में और कोटा से निकल रहे थे, तो पीछे देखो क्या इतना बढ़िया दिख रहा है ना, तो और ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है नदी पे, नदी के बाजू में भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर है, तो आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ऐसा पहाड़ आया है, देख सकते हैं आप, इधर टनल है शायद आगे जाके, और बहुत ही बढ़िया सिटी है राजस्थान। और खाली वेदर बहुत गर्म है, अभी सुबह के 7:30 बजे और धूप बहुत तेज हो रही है। दोस्तों अभी राजस्थान में कोटा से 50 किलोमीटर आ गए, फाइनली अपने 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, अभी घर से हम 1000 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, और अभी ये सामने एक टनल है, और टनल से जाएंगे। चलो चलते हैं। तो ये देखो राजस्थान में पानी ही पानी है, कौन कहता है राजस्थान में पानी नहीं होता। दोस्तों करीब 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम अभी दिलराज भाई के स्टूडियो के इधर पहुंच रहे हैं, तो इधर से 15 किलोमीटर है। तो चलो चलते, बहुत सुंदर पहाड़ियों में रुके थे हम। दोस्तों फाइनली अपन मिस्टर इंडियन हैकर स्टूडियो के पास आ गए, तो ये देख सकते हैं ये बबुल की झाड़ियाँ, उनके ब्लॉग में दिखती रहती है वीडियो में। तो चलो चलते, इधर से खाली 100 मीटर है, तो चलो चलते। दिलराज भाई है क्या नहीं क्या मालूम नहीं है स्टूडियो में, तो चलो मिलते हैं सबसे। दोस्तों ये दिलराज भाई के स्टूडियो के तरफ जाने वाला रास्ता है, इधर से भी दिखता है स्टूडियो, और वो जो बिल्डिंग सामने दिख रही है ना, बंगला का बिल्डिंग है किसी का, वो भी हर वीडियो में दिखता है, वो भी दिख रहा है अपने को। तो चलो अभी जाते हैं मेन गेट पे। दोस्तों तो दिलराज भाई ये आ नहीं है, वो का तो टूर पे गए और कोई भी नहीं है, तो इधर अंदर नहीं जा रहे हैं, दे रहे हैं सिक्योरिटी। तो क्या मैं बहुत दूर से आया था इधर महाराष्ट्र से, और इधर अंदर नहीं जाने दे रहे, तो क्या करें क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो चलते हैं अभी इधर से।
दोस्तों ये दिलराज भाई के स्टूडियो का गेट है और इधर वॉचमैन का रूम है और ये वॉचमैन अंदर नहीं जाने दे रहे और फोटो और वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे। और ये सामने वाली बिल्डिंग जो दिख रहे हमेशा दिखती है अपने को, ये बड़ा गेट है और छोटा गेट है। ये गेट खुला था पर वॉचमैन ने मेरे को देख के वो बंद कर दिया है। अभी क्या बोले, खाली अंदर देखने को भी नहीं दे रहे। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, दिलराज भाई का स्टूडियो है पर इधर अंदर जाने नहीं दे रहे। दिलराज भाई नहीं है शायद, इसलिए वो किधर टूर पे गए है बोल रहे हैं। दोस्तों मैं वापस आया, वापस आके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मेरे को खाली गेट से अंदर जाके देखने के लिए दिया, स्टूडियो की ओर भी नहीं जाने दिया, खाली ग्राउंड को देखने के लिए। दोस्तों तो स्टूडियो देख के आ गए, उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दिया, अंदर जाने के लिए दिया परमिशन पर वीडियो बनाने के लिए मना किया, कह रहे दिलराज भाई नहीं है। तो चलो चलते हैं वापस, अभी जयपुर के लिए निकलते हैं, अभी अपने को जयपुर जाने का है इधर से। दिलराज भाई के स्टूडियो की तरफ आने वाला रास्ता। दोस्तों खाना खाने के लिए रुकी है और अभी बैग मैंने पीछे ही बांध दिया है। अभी दोस्तों तो अपन मैं अजमेर दरगाह गया था पर उधर बहुत भीड़ थी और बहुत छोटी छोटी गलियां थी, इसलिए मैं उधर से अंदर नहीं गया, बाहर से ही देखा और आ गया। अभी जयपुर की तरफ जा रहे, लगभग जयपुर इधर से 50 किलोमीटर बचा है, पर मेरे को इतना आज अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं मिस्टर इंडियन हैकर से मिलने गया था लेकिन वो उधर नहीं था, मेरे को मिलने का था उससे, पर क्या है अभी मेरे को मिलने का था उससे पर अभी क्या करें, वो नहीं था और उधर अंदर तक जाने नहीं दे रहे थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट, वो बोलते अलग है और उनका वीडियो में बोलते अलग है और उधर जाने के बाद भी फिर उनके स्टाफ का अलग ही रहता है। तो चलो चलते हैं, इसलिए आज का मेरा कोई बड़ा मूड नहीं लग रहा है जाने के लिए, चलो चलते हैं। अभी 30 किलोमीटर जाते हैं और रुकते हैं इधर ही।